बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी टेक्नोलॉजी में हम काफ़ी टॉपिक स्टडी कर चुके हैं, जिसमें कुछ प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी से हमने पढ़े हैं और कुछ इंट्रोडक्टरी लेवल के टॉपिक थे। आज का जो टॉपिक है उसका टाइटल है कार्कस इंस्पेक्शन एंड इवेल्युएशन। और ये टॉपिक इन द सेंस इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि इसमें एनिमल की स्लॉटरिंग के बाद कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं या फैक्टर्स हैं या साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनकी बेसिस पे मीट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। तो इस हवाले से इसमें कुछ इस तरह के पॉइंट्स हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और जिनको कंसिड्रेशन में लाना चाहिए। कार्कस और विस्ट्रा इंस्पेक्शन की जब हम बात करते हैं इवेल्युएशन की, तो ये हम स्लॉटरिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के इमीडिएटली बात करते हैं, ताकि जो भी एबनॉर्मेलिटीज हैं या डिजीजेज हैं मीट के अंदर वो डिटेक्ट हो सकें। और इस तरह का जो मीट, अगर उसके अंदर कोई ससेप्टेबल या सस्पिशियस सिम्टम्स हैं तो उसको हम अनफिट करार देते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम कार्कस की वैल्यूएशन या इंस्पेक्शन जो है वो करते वक्त, क्योंकि जब लॉट्स की बात आती है ना, कि जब एक आपका होल सेलर प्लेस है या जहाँ पे इकट्ठी स्लॉटरिंग हो रही है, या स्लॉटर जिस तरह से हाउसेज होते हैं, तो उसमें ये ज़रूरी है कि वहाँ पे आपका जो एनिमल है वो हर एनिमल आइडेंटिटी टैग उसके साथ हो, उसके रिमूव्ड ऑर्गन्स और ऑफल्स के साथ। ठीक है, स्लॉटरिंग के बाद जब आप उसके ऑर्गन्स और ऑफल्स को रिमूव कर लेते हैं और आपका एक होल कार्कस होता है, तो उसका आइडेंटिटी टैग होना जरूरी है, ताकि अगर किसी भी एनिमल का कोई रिजल्ट इस तरह सस्पिशियस आता है तो वो इजी आप आसानी हो उसको बताने में कि ये कौन से एनिमल का है और कौन से एनिमल को रिजेक्ट होना चाहिए। इंस्पेक्शन का जो एक प्रोसेस है, ये अथोराइज्ड वेटरिनेरियन या मीट इंस्पेक्टर जिसको करते हैं, और वो ना सिर्फ इस चीज़ को इंस्पेक्ट करते हैं कि मीट जो है वो सूटेबल है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, बट वो इस चीज़ में भी कि वो एनिमल की जो एक वेलफेयर है स्लॉटर हाउस में या जो उसकी हाइजीनिक कंडीशंस होती हैं वहाँ पे, वो उस चीज़ को भी रिफ्लेक्ट करता है। इंस्पेक्टर्स जो हैं वो विजुअली एग्जामिन करते हैं ऑर्गन्स को, एनिमल के टिश्यूज को, पालपेट्स को, और इंसीजंस भी करते हैं समटाइम फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, डिजीज का जो स्टेटस है वो चेक किया जाता है जो लिम्फ नोड्स हैं उनकी इंसीजंस के जरिए, जिसमें अगर इंफेक्शियस बैक्टीरिया होते हैं जो लिम्फ सिस्टम में कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं तो लिम्फ नोड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो अगर लिम्फेटिक नोड्स इंसिजन के दौरान एक वेटरनरी डॉक्टर ये उसको डायग्नोज करते हैं कि इसके लिम्फ नोड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हैं, तो इट्स मीन कि इसमें जो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया का जो लोड है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह से डिजीज्ड एंड लिम्फ नोड जब स्वेल होते हैं या उसका चेंज हो जाता है कलर, तो ये भी एक अलर्ट होता है इंस्पेक्टर के लिए कि वो उसको चेक करे कि उसमें फर्दर कौन सी डिजीजेज हैं। क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको कई टॉपिक्स में ये चीज़ बता चुकी हूँ कि आपका मीट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके जरिए कई कॉन्टेजियस बीमारियां जो हैं वो ट्रांसमिट होती हैं ह्यूमंस के अंदर, तो वो इस वजह से ये चीज़ ज़रूरी है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे यही प्रैक्टिस की जाती है कि स्लॉटर हाउसेज में वेटरनरी डॉक्टर जब तक अप्रूव नहीं करता आपके कार्कस को, आपके मीट एनिमल को फॉर फर्दर मार्केटिंग या ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तब तक वो डिक्लेयर नहीं होता। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में चूंकि प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी हटके है, तो यहाँ पे जस्ट स्लॉटर करके और उसके बाद आप बुचर शॉप्स पे देखते हैं कि वो फौरन ही जो है वो सेल आउट होना भी शुरू हो जाता है, विदाउट इस चीज़ के कि उसमें क्या कोई इस तरह का उसके अंदर ट्रांसमिटेबल डिजीज तो नहीं है जो आगे जाके ट्रांसमिट हो सके या ह्यूमंस के लिए कोई इशू कर सके। एनीवेज, सेम इसी तरीके से अगर कार्कस के अंदर लेजन्स हों, ठीक है, कोई खराशें या इस तरह के कोई जख्म वगैरह, तो ये लिंक्ड होता है कंडीशन के साथ कि एनिमल जो है वो उसको न्यूमोनिया है या उसको टीबी है। ठीक है, इस तरह से अगर सिस्ट अगर हो जो लीवर के अंदर डायग्नोज हो, हर्ट या मसल के अंदर, तो इसका मतलब है कि जो एनिमल है वो किसी टेप वर्म की वजह से उसके अंदर पैराजाइटिक डिजीज उसके अंदर हुई हुई है।
इसके अलावा अगर जो थोरैकिक कैविटी है एनिमल की या एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, उसमें अगर इन्फ्लेमेशंस हैं तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि एनिमल जो है उसको कोई सेवियर इन्फेक्शन है। और इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं या ये बीमारियां जो मैं आपको पहले भी मैंने ये बताई हैं, ये सारी ट्रांसमिटेबल होती हैं, ठीक है। और हर मुल्क का अपना लॉ एंड रेगुलेशन होता है इंस्पेक्शन का और इवेल्युएशन का, जो वेरी करता है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। इसी तरीके से ये एक मीट इंस्पेक्टर की ड्यूटी है कि वो ये इंश्योर करे कि सेफ मीट जो है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अवेलेबल हो। तो इसके लिए ये तमाम जो मैंने आपको साइन एंड सिम्टम्स बताए हैं इनको कंसिडरेशन में लाना ज़रूरी है। फर्स्ट टाइम जो मीट का इंस्पेक्शन हुआ था वो 1891 में हुआ था न्यूयॉर्क सिटी में। इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए कि एक लेजिस्लेटिव कंट्रोल होना चाहिए मीट की डिस्ट्रीब्यूशन पे और सेफ उसकी प्रोपिगेशन के ऊपर। तो उसके बाद भी फर्दर इसमें अमेंडमेंट्स आती रही हैं। तो ये था कारकस इवेल्युएशन एंड इंस्पेक्शन। इसमें कोई कंफ्यूजन हो किसी किस्म की या कहीं पे कोई क्वेश्चन हो तो यू मे काइंडली आस्क। थैंक यू।